हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैथे की चटनी बनाना बता रही हूं। कैथे को इंग्लिश में बोड एप्पल बोलते हैं। कैथा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और इससे किडनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा भी कैथे में बहुत सारे लाभकारी गुण होते हैं। बचपन में मेरी मम्मी कैथे की चटनी बहुत बनाती थी। आजकल लोगों को कैथे के बारे में जानकारी नहीं है तो वो इसकी चटनी नहीं बनाते हैं, पर ये कैथा सब्जी मंडी में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप जाकर एक बार कैथे लेके आएं और उसकी चटनी बनाकर खाएं। इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और खाने के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैथे की मज़ेदार खट्टी चटनी कैसे बनती है। और अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कैथे की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैथा लिया है। मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ का कैथा लिया है, उसको फोड़ के इस तरीके से उसके पल्प को निकाल लिया है। ये कैथा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। एक चम्मच नमक, चार लहसुन की कलियाँ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। एक जार में कैथा डालेंगे, प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और मैं यहाँ पर लगभग 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। और डालकर इन सबको हमें अच्छे से पीसना है, तो इनको हम पीस लेते हैं। चटनी यहाँ पर हमारी पिसकी तैयार है। इस चटनी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर पूड़ी के साथ खा सकते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो अगर आपको मेरी ये कैथा वाली चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।